केरल हाईकोर्ट ने कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका तुच्छ और राजनीति से प्रेरित है और याचिकाकर्ता पर 1,00,000 का भारी जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने अपने फैसले में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सम्मान के महत्व पर जोर दिया, भले ही पद धारण करने वाले व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। 1,00,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने टिप्पणी की, लोग उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं और बहुमत दल अपने नेता का चयन करता है और वो नेता 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले आम चुनाव तक वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए मेरे अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक निश्चित रूप से वो सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख पर भी अलग राय रख सकते हैं। न्यायालय एक वरिष्ठ नागरिक और एक RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रहा था जो कि प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र का विरोध कर रहा था। याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति के निजी प्रमाण पत्र में PM की तस्वीर को शामिल करने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में संसदीय लोकतंत्र के पहलुओं और राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। इस संबंध में न्यायालय ने 2 उदाहरणों पर प्रकाश डाला, एक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्ट नेता AK गोपालन और दूसरा तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी। याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया और कोर्ट से घोषणा की मांग की कि उसके कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि टीकाकरण प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर उसकी निजता में दखल है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया, वो लोगों के जनादेश के कारण सत्ता में आए हैं। दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत लगभग 2 वर्षों से कोविड संकट से जूझ रहा है और लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सामूहिक टीकाकरण ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट।